हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्टेड है, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, सो दैट आपके एसएससी रिलेटेड है ना, रीजनिंग रिलेटेड, स्टेट लेवल या आपके सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम है, आप अच्छे से वहाँ पे कवर कर पाओ, अच्छे से सीख पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, और अपने जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस ओरिएंटेड आपकी तैयारी मस्त रहे, है ना। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं तो आप अबाउट में पेज में अगेन मेरे बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहाँ पे सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रहा है तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। एंड आशा कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो रेगुलरली इसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने आज हमारा थर्ड फोर्थ डे का है ना, हम 5, 6, 7 और शायद ये हमारा फोर्थ डे है, शिफ्ट 1 से शुरुआत करनी थी, ठीक है। फटाफट से शुरुआत करते हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, एंड फिर आगे अगेन हम इन सेशंस को कंटिन्यू रखेंगे ताकि ये सारे एग्जाम पेपर्स हम एक बार कर पाए, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था कि वॉयलेट का कोड अगर ये है, तो अगेन अगर आपको वॉयलेट का कोड गिवन है बच्चे, यहाँ पे आप चेक करो, TJMMCU, तो क्या हो जाएगा, V से T, अगर आप चेक करोगे V से T तो 22 से 20 जाना है, यानी -2 है ना, 22 नंबर होता है ये, 9 से 10 तो ये सिंपली -2 था, तो यहाँ पे +1, 15 से 13 तो यहाँ पे -2, ठीक है, 12 से 13 अगेन +1, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे E से C +2, एक बार चेक कर लो, और T से U +1, तो एक बार अपन चेक करते हैं क्योंकि कुछ फ्लो में नहीं लग रहा है, कुछ है ना कि कुछ हमने मिस तो नहीं कर दिया। तो 22 से 20 -2, 9 से 10 +1, 15 से 13 -2, 12 से 13 +1, ई से सी, हाँ जी, तो ये हमने गलत दे दिया ना, 5 से 3 ये -2 होगा और फिर +1, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, सो ऑन। इसको हम करके भी देख लेते हैं, M 13 में से 2 जाएंगे K, A में जब 1 जोड़ोगे तो B, फिर R में से 2 जाएंगे तो P, और ये इसी अकॉर्डिंग चल भी रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें रॉकेट वर्ड पे ये सेम चीज अप्लाई करनी है, ROCKET, तो R 18 में से 2 आपके अगर जाते हैं तो P आता है, P आता है तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अगले में +1 है, O+1 यानी 15+1 16, एक बार फिर से P, तो इससे ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो एक एक पहला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है, 1 इज द करेक्ट आंसर, ये हमको देखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, 4, 1, 6, अगेन ये स्क्वायर वगैरह लगता है, बट आप ध्यान से देखोगे जो ये नंबर बाएं से दाएं लिखा है वही दाएं से बाएं सेम नंबर है, 4, 1 और 6, तो इधर भी 4, 1 और 6, तो हमको बस ऑर्डर चेक करना है, 3, 8, 4, तो अगर इसको ऐसे चेक किया तो यहाँ पे 4 आ गया, अपने को चाहिए था 3, 8, 4, तो ये नहीं है, 2, 8, 6 और 2, 8, 6, तो ये यहाँ पे टैली हो रहा है तो ये सही होगा, ऐसे हो जाएगा ना, 2, 8 और 6 जब इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर जब जा रहे हैं तो 2, 8 और 6 है ना, 4, 8, 3 अगेन 3, 4, 8 तो ये गलत है, 4, 8, 3 इधर से भी आपको 3, 8, 4 दिखना चाहिए था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है कि ये सीरीज में क्वेश्चंस है और आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है कि सीरीज में क्या आएगी, तो देखो 12 से 25, 25 से 51, या तो इनका गैप लो या आप बड़े दो नंबर से प्ले करो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब 103 से 207 आप जाने का देखोगे तो आपको दिखेगा 103 का अगर दुगना करें तो 206 होता है, और उसमें अगर एक जोड़ दे तो 207 आ जाता है, यानी दुगना करके एक जोड़ दिया। ऐसे ही 51 में चेक करो, 51 का दुगना 102 होता है, उसमें एक जोड़ दे तो 103 आ जाएगा, 25 का दुगना करें 50 और उसमें एक जोड़ दे तो 51 आ जाएगा, अगेन अगर 12 का दुगना करें 24 और उसमें एक जोड़ दे तो 25 आ जाएगा, यानी जो ये नंबर है वो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का हेल्प करी जा रहा है बनाने में, है ना।
तो नेक्स्ट अब हमको क्या चाहिए, 207 इंटू 2 प्लस 1 यानी 207 का दुगना 500 ओ सॉरी 414 प्लस 1, यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते थे 415 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है, एकदम से तंदुरुस्त है। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ब्रेड इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड ब्लड। अरे काफी खतरनाक नाम रखे हैं। व्हाट इज रेड इन कलर, तो लाल रंग का क्या चीज होता है? तो ब्रेड तो रेड कलर की नहीं होती, ऑल्दो कलर डाल के बन सकती है बट नेचुरली नहीं होती। बटर भी रेड कलर का नहीं होता है ना। ब्लड खून रेड कलर का होता है, तो ब्लड का हमको देखना है कोड क्या है। ब्लड इज कॉल्ड एज वॉटर, तो वॉटर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का कलर होता है रेड, और रेड को हम क्या बुला रहे हैं, ब्लड को हम क्या बुला रहे हैं, वॉटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉटर। ठीक है, यही हमको करना था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, रंगोली वाला ये हमारा सवाल है, जहां पे एक सीक्वेंस ऑफ पेपर गिवन है और इसको अगर हम अनफोल्ड करें तो कैसे होगा। जब ये वाला फोल्ड बेटे आप ओपन करते हो वापस, ये वाला फोल्ड जब आप वापस ओपन करोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये सर्किल यहाँ था तो ये ऊपर भी आया। ये वाला ट्राइंगल अगर ये यहाँ पे था तो ये सेम इधर ऐसे भी दिखाई दिया। अब जब ये दोनों सेम होंगे तो ये देखो, जैसे इसमें तो ये सेम दिख रहे हैं, इसमें भी सेम दिख रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें जो डॉट है ना वो सेंटर में आ गया, हमको कॉर्नर में चाहिए था तो ये कैंसिल हो गया। इसमें भी सेम दिख रहे हैं, इसमें भी डॉट सही आ रहा है, इसमें सेम नहीं है, इसमें डायरेक्शन ही उल्टा हो गया, हमको ऐसे वाला चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब थर्ड और सेकंड में बच्चे एक बार चेक करो, अगर ये दो सर्किल ऐसे, जब इन पेपर को हम ये वाली फोल्ड ऐसे वाली फोल्ड खोलेंगे तो यहाँ भी तो सर्किल और सर्किल बन के आएंगे दो, तो बेसिकली चार सर्किल चाहिए, तो टू भी कैंसिल हो गया। करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यही हमको करना था, हो जाएगा, इजी है। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज रीड्स का कोड ये है। अगेन ये अगर आपको नहीं याद हुआ अभी तक अल्फाबेट्स में, तो आपने अल्फाबेट्स अच्छे से पढ़े ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक रोल ऑफ अल्फाबेट्स करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरा वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपको यूसी लाइव वाला वीडियो चाहिए तो आप आगे यूसी लाइव लिख दीजिएगा, आप वहां से अच्छे से अल्फाबेट्स का वैल्यू समझो, उनका रिलेशन समझो। तो आर से आई, ए से वी, ए से जेड और डी से डब्ल्यू और एस से एच, तो मेरे बच्चे ये होते हैं हमारे ऑपोजिट कोड्स या रिवर्स कोड। रिवर्स कोड का मतलब क्या होता है कि अगर हम एबीसीडी लिखें, जिस पोजीशन पे अगर मैं बाएं से दाएं देखूं तो आर भैया सपोज करो 18वें नंबर पे आता है, अगर मैं एबीसीडी से काउंटिंग शुरू करूं, तो अगर मैं जेड वाई से काउंटिंग शुरू करूं तो आई भैया 18वें नंबर पे आता है दाएं से, अगर आर बाएं से 18वें नंबर था तो आए दाएं से, मतलब इनकी पोजीशन लेफ्ट और राइट से सेम होती है। या हमने ये यहाँ पे चेक किया था कि इनका टोटल पोजीशन का सम, या वो लेफ्ट से देखो या राइट से, तो वो 27 बनता है। जैसे ए और जेड, ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन, जेड की पोजीशन 26, तो 1 और 26 से हमारा आ गया 27। सी का पोजीशन 3, एक्स का पोजीशन आपका 24, ये आ गया 27। डी डब्ल्यू ये 4, ये 23, तो ये आ गया 27। तो जब भी 27 सम बने, जैसे यहाँ पे बन रहा है 5 और 22, 1 और 26 है ना, एंड सो ऑन, तो रिवर्स कोड्स हैं। और रिवर्स कोड याद रखने का, अगेन हमने एक चीज और भी पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कोड याद रखने का, मैंने कोड्स एक स्टोरी से भी रिलेट करवाई थी, आप एक बार अभी सुन लो जिन्होंने नहीं सुनी, कि जैसे ए जेड है ना, ये रिवर्स कोड है। एक लड़का है बी वाई बॉय, वो है क्रैक्स, आपने बचपन में खाए होंगे, तो सी और एक्स रिवर्स कोड है। डी डब्ल्यू डेविड वार्नर की बैटिंग आप सबने देखी होगी। लव है ना, एल ओ और वी और ई, तो एक ही शब्द से दो चीजें यहाँ पे जुड़ रही है, दो रिवर्स कोड आपको देखने को मिल रहे हैं। जॉन सीना का फिनिशिंग मूव एफ यू, आपके सर का नाम हर्षदीप सिंह, जी टी रोड या गुजरात टाइटन से आप याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो, एम और एन की दोस्ती खास है उससे आप याद रख सकते हो, पी के मूवी आप सबने देखी होगी उससे ये कोड याद रख सकते हो, ताश आप सबने खेला होगा या प्लेइंग कार्ड्स का सुना होगा, तो जैक और क्वीन
आप यहां से याद रख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 13 ये पेयर्स यहाँ पे दिख गए। अब हमको कोड किसका फाइंड करना था मेरे बच्चे, हमको कोड फाइंड करना था GHKTX। तो G का कोड T, H का कोड S, K का कोड P, T का कोड G और X का कोड C। तो TSPGC ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अल्फाबेट आए रीजनिंग में और आपको रिवर्स कोडिंग या ऑपोजिट कोडिंग का नहीं पता, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। मेक श्योर करो कि आपको हर हालत में पता हो कि रिवर्स कोड क्या होते हैं, ऑपोजिट कोड क्या होता है और उनका यूज हमने कैसे लेना है। ठीक है ना, तो ये हमें पता होने चाहिए हर हालत में। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या कह रहा है जी, अगर यहाँ पे ये एक लॉलीपॉप टाइप शेप है, अगर मैं आगे देखते जाऊं तो ये शेप एक एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। अब ये भी हो सकता है कि या तो आगे बढ़ गई या आप इधर ही देखते रहो, तो ये रोटेट होती जा रही है। तो अलग अलग तरीके दोनों देखने के वैलिड हैं, आप किसी एक से कर लो। ठीक है, अगर मैं इनको एक एक आगे लेके जा रहा हूं तो ये चेक करते जाओ, जो रेड वाली लॉलीपॉप है ये कुछ इस प्रकार से मूव करती जा रही है। तो जब ये यहाँ पे नीचे आएगी तो ये यहाँ पे इस तरफ आके कुछ इधर है ना रुक जाएगी, इधर आपको हर ऑप्शन में सेम दिखा। अगर आप इसके रोटेशन ऐसे चेक करते, जो मैं ब्लू कलर से अब शो करूंगा, कि जैसे ये पहले ऐसे थी, फिर ये टर्न हो गई, ऐसे गोल घूम गई 90 डिग्री, फिर ये ऐसे टर्न हो गई, फिर ये ऐसे टर्न हो गई, फिर ये ऐसे टर्न हो गई, तो अगली बार यहाँ पे फिर से ऐसे टर्न होके आएगा ऐसे कुछ, और ऐसे कुछ आएगा तो ये आपको इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, कम से कम ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो कोई भी जब आप चेक करते हो तो सबकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, गोल गोल घूमता जा रहा है। जैसे इसको पकड़ो, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे टर्न हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर ऐसे टर्न हो गया बच्चे, फिर ये ऊपर, तो अगली बार यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए जो कि सब ऑप्शन में है। थर्ड वाला चेक करो, ये फिर से क्लॉकवाइज होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये चेक करो ब्लैक वाला, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे टर्न हुआ, तो एक बार ऐसे टर्न हो रहा है, फिर ऐसे टर्न हो रहा है, फिर ऐसे टर्न हो रहा है ना। तो अब अगली बार वाला ये यहाँ पे ऐसे आएगा, जब ये ऊपर ऐसे यहाँ पे ऐसे आएगा, ये मैं कलर ही कर देता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब अगर मैं चेक करने को जाऊं तो मुझे चेक करना है ये बीच वाली फिगर, क्योंकि यही अलग है। अब आप ये चेक करो ना बच्चे, इसके बाद जब मैं नेक्स्ट फिगर देखने को जाऊं, जो नई फिगर आ रही है, तो वो फिर से क्लॉकवाइज होगी और ये वाली फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगी, कुछ ये ऐसे ही चल रहा होगा। तो जब मैं आखिरी फिगर्स चेक करने जाता हूँ, अब मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ सारा, क्योंकि हम बस दो तीन में कंफ्यूज थे, सेकेंड और थर्ड में, 1 और 4 हम कैंसिल कर चुके थे, ऐसे ही था है ना। तो सेकेंड और थर्ड में मेरे बच्चे ये वाला आप टैली करो कि जब ये वाली शेप इधर से चेंज हुई इस तरफ, तो अगले में नीचे की तरफ आएगी, तो जो नेक्स्ट शेप आती है वो स्टैंडिंग लाइन आएगी, वो स्टैंडिंग ही आई, सीधी लाइन ही आई थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। तो अब इसकी कौन सी बारी है, अगर ये वाला क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो ये नया वाला अब शुरू होगा, यानी ये जो मैं नीले रंग से अभी मार्क करूंगा, ये क्लॉकवाइज टर्न होना शुरू होगा, क्योंकि लाल वाला घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में था, तो ब्लू वाला घड़ी के डायरेक्शन में जैसे सुइयां घूमती है वैसे घूमेंगी, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा। जब ये इस प्रकार से ऐसे आएगा तो ये यहाँ पे दिख गया, ये यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सेवेंथ का आपका थर्ड ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, चले आगे। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 40 80। देखो ये तो क्लियर कट मल्टीपल दिख रहा है कि 1 गुना 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 गुना 3 हो रहा है, और एक एक छोड़ के, तो यहाँ पे इंटू 4 होगा, इंटू 4 का मतलब 8400, और वो ऑप्शन में भी है और ये हमारा करेक्ट आंसर भी हो गया। अब आपके मन में आ रहा है कि सर 80 से 200 कैसे होगा, तो क्या ये 2.5 गुना नहीं है,
160 और 40, 600 से 2100 क्या ये 3.5 गुना नहीं है? तो कल को अगर इसके नेक्स्ट निकालना होता तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते या 9/2 कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, हो जाएगा, इजी था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या कह रहा है कि 7 गर्ल्स हैं जो कि आपको एक नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब सामने नॉर्थ मान लो, उत्तर मान लो, तो इससे क्या होगा कि आपको लेफ्ट यानी बायां साइड देखना आसान पड़ जाएगा और राइट साइड दैट इज दायां साइड देखना भी आसान पड़ जाएगा। ठीक है, G4 सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ G1। G4 जो है वो G1 के फिफ्थ राइट पे है, तो अगर G1 यहाँ पे हो, इसका फिफ्थ राइट यानी 1 2 3 4 5 पे G4 होगा। हमको निकालना क्या है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ G3। तो एक बार रीड कर लेते हैं, कई बार ही पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। G4 जो है देखो वो किसी कोने पे नहीं बैठा, इन्होंने ये बात भी बोली। ये कहाँ बोला, यहाँ पे बोला G4 G1 के दाई और पांचवें स्थान पर है और G4 किसी भी छोर पर नहीं है। टोटल ही अगर 7 लोग थे तो ये हम कितने बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और G4 को अगर छोर पे नहीं आना तो यहाँ पे कोई एक लोग बैठेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखा है, G6 जो है वो एग्जैक्टली मिडल पे बैठे हैं, तो अगर 7 लोग हैं तो G6 भैया यानी यहाँ पे मिडल में आ जाएंगे। एक बार ये चेक कर लो, ओनली 2 गर्ल्स सिट बिटवीन G7 एंड G5। G7 और G5 के बीच में बस 2 लोग बैठ सकते हैं। G7 इज नॉट नेबर ऑफ G6। देखो G6 का नेबर नहीं है यानी इधर नहीं आ सकता G7 इन दोनों जगह पे। यहाँ पे अगर बिठाएंगे तो G6 की जगह G5 को आना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं G7 को यहाँ बिठाने का सोचता तो G5 को यहाँ बिठाना पड़ता, बट पॉसिबल ये है क्योंकि वहां ऑलरेडी G6 बैठे हैं। तो G7 भैया इधर आए, G5 भैया इधर आ जाएंगे, भैया नहीं दीदी सॉरी। ठीक है, और क्या हमको गिवन है, और तो कुछ नहीं गिवन, बस यही गिवन है जो डाटा की अगर मैं बात करूं तो। एक बार बस इनको ये कर लो, और अल्टीमेटली ये भी गिवन था कि G6 जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G2 है, तो G6 जो है G2 के बाय तीसरे पर बैठा है, तो G2 उसके दाएं तीसरे पर होगा यानी यहाँ पे। तो G3 भैया यहाँ पे आ गए, G3 यहाँ पे आ गए, तो नेबर ऑफ G3 बताना था यानी G6 और G7। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इजी भी था मतलब, बट हाँ थोड़ा चेक करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आई होप आपको भी दिख जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है ना। बट क्या इसमें एक बार हम ये चेक कर लें कि ऊपर टच कर रही है, और एक्चुअली में ऊपर टच नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है ना। नहीं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा ना कि हमको सेम रोटेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, तो बेस्ट तो यही होगा। यहाँ पे बस पंगा ये है कि यहाँ थोड़ी ब्लैंक जगह है, तो पर शेप पूरी यही बन रही है और कहीं तो बन नहीं रही। जरा चेक करो ये चीज, और कहीं तो बन ही नहीं रही, तो आपको यही मार्क करना पड़ेगा है ना, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्या कह रहा है जी, कि पी से एन रिलेटेड है, एन से के रिलेटेड है, तो जी से क्या, तो P से N 16 से 14 -2 होगा, 13 से 11 -2 होगा, तो 7 से 5 -2 होगा, दैट इज ई। ई आते ही मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। बट फॉर आर नॉलेज हमको क्या चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर्स है, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब अगले नंबर का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर दैट इज 64 होगा, तो E64 हमारा करेक्ट आंसर है, चाहे आप नंबर से चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्या कह रहा है कि अगर BAL रिलेटेड है ODE से, तो देखो अगर आप प्लस माइनस से देखोगे तो O और E ना एकदम इन नंबर से दूर दूर हो जाते हैं थोड़ा सा। तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई हुई है कि आप इजी अल्फाबेट देखो कि आपको क्या चीज किसके पास में नजर में आती है, तो ये नजर में आएगा कि ए से डी तो भैया +3 हो ही रहा है। अगर ये +3 हो रहा है तो 12 से 15 ये यहाँ भी +3 हो रहा है,
बस ऑर्डर चेंज हो रहा है, और ये पांच की तरफ जा रहा है दो से बी में, तो ये भी +3 हो रहा है, तो यानी +3 करके उसने ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो अगर मुझे AGR का कोड ढूंढना था यहाँ पे, तो मुझे सबसे पहले तो G में +3 करेंगे तो J, उससे एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी, 18 + 3 21, तो U, इससे एक और ऑप्शन आपकी कैंसिल हो जाएगी, और A+3 है ना, A+3 यानी D, तो UJD आपका आंसर आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर बन गया। ठीक है जी, हो जाएगा, एक बार चेक कर लो इस चीज को, चलें आगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट ये ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है कि टॉपिक्स का अगर ये कोड है, ग्रेथ का ये कोड है, तो बेंडेफ को बताओ। अगेन मेरे बच्चे, अगर मैं इनका थोड़ा सा अपने समझने के लिए अच्छी लिख के रखूं, ठीक है, तो कुछ ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस करने जाओगे ना, सिमेट्री नहीं आएगी, बट अगर आप ये चीज समझो कि पहले से आखिरी में -1 हो रहा है, ओ से एन भी -1 हो रहा है, पी से ओ भी -1 हो रहा है, आई से जी -2 हो रहा है, अब 3 से ए ये भी -2 हो रहा है, और 19 से 17 ये भी -2 हो रहा है। तो बेसिकली क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले 3 में से एक एक घटाया, आखिरी 3 में से 2-2 घटाया, फिर उनको ऑर्डर को चेंज करके लिख दिया, मतलब पहले वालों को आखिरी में लिख दिया। ये चाहे अगले का चेक कर लो, GREATH यही है ना, इसका कोड क्या गिवन है, FRYDQF, तो ये यहाँ पे चेक कर लो, G से F, अगेन -1, R से Q -1, E से D -1, तो इन तीन में -1 हुआ, A से Y, T से R और H से F -2 हुआ। तो अगर हमको अब बेंडेफ का कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, पहले 3 में से एक एक घटा के पीछे की तरफ लिख दोगे, तो बी में से जब -1 जाएगा तो ए आएगा, ए में से -1 जाएगा तो जेड आएगा, एन में से जब -1 आएगा तो आपका एम आएगा, तो एम जेड ए जब आंसर होगा तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगेन कलर चेंज कर देते हैं, -2 करना है हमको। ठीक है, तो अब डी में से -2 करोगे तो बी, ई में से -2 करोगे 5 में से 3 तो सी, और ए में एफ में से अगर 2 माइनस करोगे 6 में से 2 तो 4, तो डी सी बी एम जेड ए, ये आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर है। क्या ये समझ में आ गई बात, एक बार चेक कर लो, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है जी, 14 कह रहा है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम दैट कैन रिप्लेस द सीरीज, तो सीरीज है, एक एक को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे एरो आया, फिर एरो आया, तो एरो ने कितनी छलांग मारी, दो पोजीशन की, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ गया, फिर कितनी मारी, दो पोजीशन, एक इधर एक इधर तो इधर आ गया, फिर दो की पोजीशन, एक इधर तो इधर आ गया, और फिर से दो का जब मारेगा एक इधर इधर, तो एरो इधर आ जाएंगे, एरो इधर आने का मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो हैशटैग भैया पहले इधर थे फिर इधर आए, तो शिफ्ट बाय टू पोजीशन हो रहा है ना, शिफ्ट बाय टू पोजीशन यानी दो पोजीशन ऐसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है ऐसे आगे चलता जाना है, तो हैशटैग इधर आया तो अगले में ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पे आएगा, अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये हर ऑप्शन में ही था। अभी अपने को और क्या गिवन है, अब सीधा आखिरी की तरफ चलते हैं है ना, क्योंकि सब में ही दो दो है, देखो जे भी दो दो पोजीशन पकड़ के बैठा है, ये दो पोजीशन बाद यहाँ आ जाएगा, तो फिर दो पोजीशन बाद जे भैया यहाँ ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब के से चेक कर लो, अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट के था तो आप उससे चेक कर लो, के यहाँ पे, और दो पोजीशन अगर शिफ्ट होएगा तो एक ये वाली और एक बीच में आ जाएगा, यानी के को इधर आना है ना, ये दोनों में ही है, तो
एल और एफ में आपको आंसर मिल गया, कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एल इधर है तो दो पोजीशन शिफ्ट होके एल भैया इधर आएंगे, इधर आएंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे एल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द साइन प्लस एंड मल्टीप्लाई व्हाट विल बी द वैल्यू। तो देखो प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 25 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 10, तो बॉड मास रूल का अगेन यूज करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, डिवाइड करोगे तो 25 प्लस 5 गुना 4 बटे 2 माइनस 10, 5 2 ये 10 हो गया। 25 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 गुना 2 10, ये नहीं करना कि इधर 2 माइनस 10 करने लग जाओ पहले, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 10 माइनस 10 ये कैंसिल ही होंगे, तो 25 आपका आंसर आ गया, 25 का मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, और यही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। अगेन अगर ये फोटो, ये लाइन यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन ऐसे आएगी। अगर मैं ऐसे चेक करूँ, क्योंकि ऊपर इसकी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा जैसे मैंने बनाया, तो ये बस एक ही ऑप्शन में था कि इस लाइन के ऊपर कुछ ना हो, जो कि इसमें, तो ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा, और यही आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, एजेस ऑफ 7 बॉयज है, अगेन सबकी अलग अलग एज है, तो अगर मैं कहूँ ये एल्डर मतलब जिनकी एज ज्यादा है, और ये यंगर जिनकी एज कम है, ये इस ऑर्डर में उम्र बढ़ती जा रही है, ठीक है, 7 लोग हैं, उसने कहा सबकी अलग अलग आयु है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमको बताना क्या है, एज ऑफ हाउ मेनी बॉयज इज लेस देन B6, कितने बच्चों की B6 से कम है, ठीक है। अब वो कह रहा है एज ऑफ B4 इज लेस देन 3 बॉयज, 3 बच्चों से कम B4 की है, यानी यहाँ पे 1 2 3, तो यानी 3 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 आंसर होता तो B4 की जगह B6 होना चाहिए था, तो इसको कट करो। एज ऑफ B1 इज ओनली ग्रेटर देन B7 एंड B3, B1 की एज खाली B7 और B3 से ज्यादा है, तो B1 यहाँ पे आएगा, B7 या B3 वो यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं, क्या ये चीज समझ में आ गई। तो हमारा आंसर 1 और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो B1, B7, B3 आ रखे होंगे, वो कौन सा किस ऑर्डर में वो मैटर नहीं करता, उनसे कम में नहीं होगा, तो B6 में या तो 4 से है, या 5 से है, या 6 से है ना, मतलब इनसे ज्यादा है, या मैं कहूँ उससे कितने कम है लड़के उस साइड में, या वेट में, मतलब यहाँ पे सॉरी उम्र में, जो भी गिवन है, मतलब कितने उससे कम है, तो या तो आंसर होगा 4 या 5 या 6, पर ऑप्शन में बस एक ही बचा, बाकी एलिमिनेट ही हो गए, तो मुझे और स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। बट हमको यहाँ पे दे रखा था कि ये जो B5 इज ग्रेटर देन B6, ठीक है, और लेस देन B2, तो ये हमारा ऑर्डर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, और ये हमको यहाँ पे करना था इवेंचुअली। ठीक है जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है ना रहेगा, इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, जहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल गिवन है कि उस पे लोग बैठे हुए हैं, ये बता रखा है कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, 2 लोग साइडों पे हैं, ऐसे बड़े वाली साइड पे, ये गिवन है, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन लार्जर साइड एंड 1 ऑन द शॉर्टर साइड, तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, कौन से बच्चा कहाँ बैठेगा, कौन सा पर्सन कहाँ बैठेगा, ये आपने देखना है, होमवर्क में ट्राई करके आना है, मुझे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और कमेंट में अपना वैल्यूबल फीडबैक दो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी दिक्कत आए तो प्लीज वो हमारे साथ शेयर करिएगा, ठीक है, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।